नमस्ते, मैं डॉक्टर अविनाश देवरे, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, पुणे और मुंबई में सेवा दे रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट हम देखेंगे ट्यूबल ब्लॉक। बहुत बार ऐसे होता है कि शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो हम कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, तो ऐसे कंडीशंस में IVF या तो टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी जाती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे इलाज है कि जो ट्यूब ब्लॉक भी ओपन करता है और आपको नेचुरली कंसीव होने में बेनिफिट देता है। उसके हम कॉजेस देखेंगे। फैलोपियन ट्यूबल क्यों ब्लॉक होती है? तो इसमें कोई ऐसे इन्फेक्शंस है जो पेल्विक कंडीशंस में ट्यूब को ब्लॉक करती है, तो जिसमें टॉर्च का इन्फेक्शन हो जाता है या तो ट्यूबरक्यूलिन इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। तो ओपन करने के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। सबसे अच्छा है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती मीन्स गर्भाशय के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन छोड़ना। तो ये हम मेंसेस के बाद करते हैं और ऐसे 4 to 5 months करने के बाद वापस हम HHG टेस्ट करते हैं कि जिससे अपने दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक ओपन हो जाते हैं और नेचुरली आप कंसीव होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाद में हम एग्स बढ़ाने के लिए या तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाने के लिए उत्तर बस्ती में मेडिसिन चेंज करते हैं, जिससे आपको खुद के एग्स और खुद के ट्यूब से प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव होने में बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आपको हम यही बोलेंगे कि आप नज़दीकी आयुर्वेद तज्ञ से सलाह लें और आपकी ट्रीटमेंट पूरी कीजिए। धन्यवाद।